एक तरफ अरमान मलिक की भाभी सरोज ने कर दिया है उन्हें एक्सपोज, वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक कृतिका को लेकर हो चुके हैं दिल्ली शिफ्ट और पायल को छोड़ आए हैं वहीं चंडीगढ़। अरमान मलिक और उनकी फैमिली की इतनी कंट्रोवर्सी के बाद अब फाइनली अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू एक वीडियो शेयर किया है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे लगता है वो लोग सेपरेट हो गई है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसी सोच मत रखा करो। बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिसके लिए इंसान यहाँ रुका हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर काम ब्लॉग में बताया जाए। नहाते हैं धोते हैं, ये थोड़ी कि हम हर जगह कैमरा ऑन रखते हैं, तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या बोलती है? बिल्कुल सही बात है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो बस जरूरी काम है, जैसे ही खत्म होगा वापस चलेंगे। कमेंट आ रहे हैं कि मैं अयान का और तुबा का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती, तो ऐसी देखो कोई भी बात नहीं है, और मैंने कहा था मैं 20-25 दिन के लिए दिल्ली में हूँ, तो मैंने आपको एस्टिमेट बताया था, मैं क्या पता 10 दिन के लिए भी हूँ, क्या पता 15 दिन के लिए भी, क्या पता ज्यादा टाइम के लिए भी हूँ। तो जैसे जैद का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था ना, वैसा सेम अयान और तुबा का बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा, वो भी मेरे बच्चे हैं, और ऐसा नहीं होता कि मैं उधर रहूंगी तभी प्रिपरेशन होगी बर्थडे पार्टी की, नहीं, यहाँ पे रह के भी प्रिपरेशन हो सकती है। बेटा गिर जाएगा, लग जाएगी। सोने आप मम्मा की बात नहीं मानते ना, आप गोदी में नहीं आ रहे हो ना, आपको पता है ना आपको हाई हो जाएगी, वहाँ पे स्टॉपर लग जाएगा। इधर आओ, सुनो सुनो बात सुनो, जाएगी। एक तरफ अरमान मलिक की फैमिली उन्हें कर रही है एक्सपोज सोशल मीडिया पर, वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक और उनकी फैमिली की एक कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। क्या ये सब कुछ होना चाहिए और कौन कर रहा है ये सब कुछ, तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताना मत भूलिएगा।